नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ बुरांश के फूलों की चटनी, और ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये फूलों के बारे में आपको सबसे अच्छी जानकारी ये देती हूँ कि ये जो फूल है ये हिमाचल और नागालैंड का राजकीय पुष्प है, और उत्तराखंड का ये राजकीय वृक्ष है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए। और ये भी बता दूँ कि इसकी चटनी बनाई जाती है, शरबत बनाया जाता है, जैम बनाया जाता है, और चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और टेस्टी होने के साथ में ये फूल काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो आप इसको किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हो। तो आज मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। और जो ये फूल हैं बुरांश के फूल, इनकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो जिन लोगों को गर्मी के टाइम पे आँखों में जलन, पैरों में जलन और नकसीर जो होता है, मतलब नाक से खून आना, उसकी शिकायत होती है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका शरबत पी सकते हैं उस वक्त, मतलब इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो गर्मियों में इसका शरबत पी सकते हैं। और सर दर्द में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसा बोला जाता है कि सर दर्द अगर हो रहा है तो इसको पीस करके इसका लेपन सर में लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी फायदा पहुंचाता है। और हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर खून की कमी है तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, हीमोग्लोबिन बढ़ता अगर आप इसका सेवन करते हो तो। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो मैंने लगभग 2 कप के करीब ये फूल की पंखुड़ियाँ ली है, और इसका बड़ा सा फूल होता है और इसके बीच में पराग होता है। पराग अलग कर लिया, 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसकी बनाती हूँ चटनी। और चटनी पीसने के लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है, तो अब मैं ये फूलों की पंखुड़ियाँ डालूंगी इसमें, ये देखिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा प्याज, तो मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। और प्याज जो मैंने डाला है इसकी भी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में ये भी हमें लू से बचाता है। और चटनी में जो मैंने प्याज डाला है इसकी भी तासीर ठंडी होती है, गर्मी के टाइम पे अगर हम प्याज खाते हैं तो ये भी हमें लू से बचाता है। और पुदीने का टेस्ट तो चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है, ये भी कूलिंग देता है हमें। और नमक डाल देंगे, 1 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं। साथ ही मैं इसमें लगभग 3 से 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि चटनी बना रहे हैं तो थोड़ी सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मिर्च डाल रहे हैं। ये देखिए ऐसे तोड़ करके मैंने डाल दिया है, थोड़े से फूल ऊपर और डाल दूंगी। तो अब मैं डालूंगी नींबू का रस। अगर बड़ा नींबू है तो आप 1 डालिए, छोटा नींबू है तो आप 2 नींबू का रस डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है। तो ये देखिए नींबू का रस मैंने डाल दिया है। तो अब चटनी पीस लेंगे, और चटनी पीसने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चटनी आराम से पीस जाती है। तो ये देखिए हमारे बुरांश के फूलों की टेस्टी चटनी पीस चुकी है, और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है, और बहुत ही अच्छी पुदीने की खुशबू भी आ रही है। ये देखिए बिना पानी के चटनी आराम से पीस गई है और बहुत ही बढ़िया पीस चुकी है। तो ये बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बुरांश के फूलों की टेस्टी चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपके वहाँ पे ये मिलते हैं तो आप इसकी चटनी जरूर बना के खाइए, और आप इसकी क्या रेसिपी बनाते हो वो भी आप शेयर कर सकते हो। और इस चटनी के साथ में आप रोटी, पराठा, पूड़ी तो खा ही सकते हो, चाट पकौड़ी के साथ में भी खा सकते हो, पकौड़ों के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आप इस चटनी को बनाकर फ्रिज में रखते हो तो 1 से 2 हफ्ते तक आराम से खा सकते हो इसे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बुरांश के फूलों की चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब भी ट्राई करेंगे तो बताना ना भूलें कि आपको ये चटनी कैसी लगी।